गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन माय चैनल। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। थंबनेल में आपने देख लिया, आज का वीडियो होने वाला है मीशो हॉल। तो इस बार मैंने मीशो से पिक किया है विंटर कलेक्शन, तो काफी ही ह्यूज सा कलेक्शन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी कुर्ती एंड कुर्ता सेट्स, तो काफी सारे पीसेज हैं आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बस वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो और आपको कुछ भी पीस पसंद आए तो याद से वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर जरूर हिट कीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी का बाइंग लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इजीली आप इन सभी की शॉपिंग कर पाएंगी। तो फर्स्ट जो पीस है वो है मैरून कलर की कुर्ती। इस वाले पीस में काफी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे तो आप चेकआउट कर सकती हैं। एंड ये वाली जो कुर्ती है ये आपको मिलेगी कुछ इस तरह की, नेकलाइन पर आपको मिल जाएगी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी काफी फिनिशिंग से की हुई है जो कि देखकर भी आपको क्लियर हो रहा होगा। स्लीव्स है इसकी 3/4 एंड स्ट्रेट कट की आपको ये वाली कुर्ती मिलेगी। फैब्रिक इसका इस तरह का है जो अंदर से हल्का सा फ्लीस वाला फैब्रिक होता है, उस तरह का कंफर्टेबल सा पीस है। इसको आप स्टाइल कर सकती हैं किसी येलो एंड ग्रीन कलर की लेगिंग के साथ तो काफी सुंदर लगेगी। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये मैंने परचेज की है निटजी ब्रांड से एंड इस पर ब्रांड मेंशन है। और इस वाली ब्रांड से मैंने दो तीन और भी पीस परचेज की हैं जो कि इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इसकी क्वालिटी जो है एकदम टॉप नॉच आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का विंटर वियर परचेज करना चाहती है तो डेफिनेटली इस ब्रांड के जो भी पीस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो जरूर ट्राई कर सकती है। बहुत ही प्यारी सी कुर्तियां दी हुई है। तो कुर्ती आप देख सकती हैं मैंने पिक की है ग्रे कलर में। वैसे कलर ऑप्शंस इसमें भी काफी सारे अवेलेबल हैं। तो लेयरिंग करनी होती है जब हमें तो इस तरह के न्यूट्रल कलर्स काफी अच्छे लगते हैं। निटेड इस तरह की आपको ऑल ओवर कुर्ती मिलेगी तो पूरे ही कुर्ते पर आपको इस तरह से डिजाइनिंग मिल जाएगी। स्लीव्स आपको इसकी मिलेंगी फुल एंड यहाँ भी आपको ये निटिंग वाला इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट फील है इसके फैब्रिक का और फ्रंट बैक इस तरह से इसका लुक है जो कि आपको ट्रायन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है पिंक कलर की एंड आई थिंक इसमें एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था तो आप वो चेकआउट कर सकती हैं। वैसे ये वाला कलर भी काफी सुंदर है कॉलर नेकलाइन के साथ। बहुत ही कोजी सी कुर्ती है और इसको वियर करने के बाद बहुत ही वार्म फील हो रहा था। कुर्ती के फ्रंट पर आपको ऑल ओवर इस तरह का व्हाइट कलर का प्रिंट मिलेगा। स्लीव्स आपको इसकी मिलेंगी फुल स्लीव्स एंड बैक साइड से कंप्लीट प्लेन कुर्ती है। स्ट्रेट कट की कुर्ती है ये वाली भी एंड लेंथ काफी अच्छी दी हुई थी। तो मेरी हाइट 5'2" है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकती हैं ट्रायन में देख करके आपको लेंथ कितनी आएगी। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी एंड अगेन ये भी मैंने ली है निटजी ब्रांड से। और इस वाली कुर्ती की जो नेक लाइन है वो काफी सुंदर सी है, थोड़ी डिफरेंट सी इस तरह की बोट नेक बोलते हैं आई थिंक इसको। तो ये वाला जो नेक लाइन है इसका लुक वियर करने के बाद काफी सुंदर आया जो कि आप ट्रायन में भी देख सकती हैं। फैब्रिक इस वाली कुर्ती का बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अच्छा दिया हुआ है, लाइक बहुत हाई क्वालिटी की आपको ये वाली कुर्ती मिलेगी। ऑल ओवर कुर्ती आपको इस तरह से सेल्फ में निटिंग वाला डिजाइन मिल जाएगा। स्लीव्स इसकी आपको मिल जाएंगी फुल, फ्रंट बैक दोनों ही साइड पर आपको इस तरह का निटिंग वाला डिजाइन मिलेगा। तो बैक साइड से भी प्लेन नहीं है, इसी तरह की डिजाइनिंग दी हुई है और इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाएगी। आई थिंक ग्रे वाली जो कुर्ती थी उसमें भी पॉकेट प्रोवाइड की हुई थी एंड इसमें आपको यहाँ पर ये मिलेगी स्ट्रेट कट में। तो इसका जो चाक बनाया हुआ है वो काफी नीचे से बनाया हुआ है। इस वाली कुर्ती का प्राइस आई थिंक 500 और 600 था और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा पीस है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आपको पसंद है डेफिनेटली आप बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो ली है मैंने ब्लैक कलर में और इसमें भी कलर अवेलेबल थे। ये वाली जो कुर्ती है, इस वाली कुर्ती में आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा, फ्रंट पर इस तरह का डिजाइन किया हुआ है। डिजाइनिंग सुंदर है, लाइक जो प्रिंट है वो सुंदर लग रहा है कुर्ती पर और साइड में आपको चेक्स वाला डिजाइन मिलेगा। बट इसका जो फैब्रिक दिया हुआ है वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा सॉफ्ट फैब्रिक नहीं है, हल्का सा चुभने वाला है। और इसकी अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो फिटिंग भी मुझे इसकी प्रॉपर नहीं आई, तो इसकी जो स्लीव्स है वो काफी टाइट थी, बाकी कुर्ती जो है ऑल ओवर वो मुझे ठीक आई एंड लेंथ भी इसकी काफी कम दी हुई है। ये है इसका फ्रंट पार्ट एंड ये है इसका बैक पार्ट, तो ऑल ओवर लुक आपको इसका क्लियर हो जाएगा ट्रायन में। बट मैं इस वाले पीस को रिकमेंड नहीं करूंगी, इसका प्राइस आई थिंक 300 और 350 था, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मुझे ये वाला पीस पसंद नहीं आया।
नेक्स्ट जो कुर्ती है ये आपको मिल जाएगी अंडर 300, तो 280 के करीब का कुछ इसका प्राइस था। इसका जो फैब्रिक दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है, जैसा कॉटन में अंदर की तरफ से लाइक थोड़ा सा जो थिक वाला फैब्रिक होता है, बहुत ज्यादा ऐसा वूलन वाला नहीं है। जो ये वाली ठंड होती है, हल्की हल्की ठंड रहती है और फैब में जो ठंड होती है उसमें आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकती हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड के लिए ये वाली कुर्ती नहीं है। फैब्रिक इसका अच्छा दिया हुआ है और इसके योग पर आपको मिल जाएगा इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न। स्लीव्स इसकी दी हुई है 3/4 और यहाँ भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, तो एम्ब्रॉयडरी काफी अच्छी की हुई है इसके स्लीव्स पर। लेंथ इस वाली कुर्ती की भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तो ऑल ओवर आप देख लीजिए इस तरह का इस कुर्ती का लुक है। नेक्स्ट है मेरे पास एक कुर्ता सेट। तो ये वाला जो कुर्ता सेट है इसके बॉटम वियर में दी हुई है सलवार। एक्चुअली जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि इसके साथ सलवार दी हुई है, बट जब मुझे रिसीव हुई तो पता चला कि इसके साथ बॉटम वियर में है सलवार। तो जिनको भी सलवार वाले कुर्ता सेट्स चाहिए वो डेफिनेटली ये वाला पीस कंसीडर कर सकते हैं। नेकलाइन आपको इसकी मिल जाएगी राउंड, और नेकलाइन पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा फिनिशिंग से की हुई है और येलो के साथ व्हाइट की एम्ब्रॉयडरी काफी सुंदर भी लग रही है। बाकी ऑल ओवर आपको प्लेन कुर्ती मिलेगी। इस वाली कुर्ती की लेंथ काफी अच्छी दी हुई है। स्लीव्स आपको इसकी मिल जाएंगी फुल स्लीव्स एंड फ्रंट बैक ऑल ओवर, बाकी आपको प्लेन कुर्ती मिलेगी। सिर्फ योग पर इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड इसके बॉटम वियर में जैसा कि मैंने आपको बताया सलवार दी हुई है, तो फ्रंट बैक दोनों ही साइड पर इलास्टिक है और नीचे की तरफ इस तरह से पोंछे पर एम्ब्रॉयडरी वाली बॉर्डर इस तरह से लगाया हुआ है। तो ये जो सलवार है काफी कंफर्टेबल थी और इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा दिया हुआ है, तो इस तरह का फ्लीस वाला फैब्रिक दिया हुआ है। सेम फैब्रिक कुर्ते एंड बॉटम वियर का आपको मिलेगा, बहुत ही प्यारा पीस है, डेफिनेटली आप ये भी बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती है अगेन ये भी है निट्जी ब्रांड की, एंड आई थिंक ब्रांड सिर्फ इसी पर मेंशन है, या फिर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ, इस पर भी सिर्फ NK मेंशन है, तो ब्रांड जो प्रॉपरली मेंशन है इस वाली ही ब्रांड का प्रॉपर कुर्तियों पर मेंशन किया हुआ है। इस ब्रांड का तो आपको जो भी पीस पसंद आ रहा है आपको सभी में कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे एंड क्वालिटी सभी की टॉप नॉच आपको मिलेगी, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। 500-600 की रेंज में बहुत ही प्यारी कुर्तियां हैं, आप डेफिनेटली बाय कर सकती हैं। नेकलाइन आपको इसकी मिलेगी वी नेकलाइन, और यहाँ पर हल्का सा कॉलर का पैटर्न है, तो थोड़ा डिफरेंट नेकलाइन का इसका डिजाइन है। बाकी ऑल ओवर आपको निटिंग फैब्रिक इस तरह से मिलेगा फ्रंट पर, और यहाँ पर कलर यूज किया हुआ है ग्रेइश ब्लू कलर यूज किया हुआ है मस्टर्ड येलो के साथ, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। पूरी ही कुर्ती पर आपको इसी तरह का ऑल ओवर डिजाइन मिल जाएगा। स्ट्रेट कट की कुर्ती है एंड इसमें भी आपको वन साइड पर पॉकेट मिल जाएगी। स्लीव्स आपको इसकी मिलेंगी फुल स्लीव्स एंड स्लीव्स पर भी इस तरह का डिजाइनिंग आपको मिलेगा। फ्रंट से इस तरह का है एंड बैक साइड इस तरह से प्लेन आपको मिलेगी, और नीचे की तरफ बॉटम में बैक साइड पर भी आपको इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा, तो बहुत ही प्यारा पीस है ये वाला। नेक्स्ट जो है वो तो शो स्टॉपर पीस होने वाला है, एंड इस तरह का पीस है अगर आप बहुत ज्यादा सर्दियों में कोई फंक्शन अटेंड करना चाहती हैं और कुछ आप कैरी करना चाहती हैं बहुत ही वार्म सा, तो डेफिनेटली ये वाला पीस कंसीडर कर सकती हैं। इसको मैंने लिया है मॉडर्न लाइन ब्रांड से, एंड इसका जो ऑल ओवर लुक है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। नेकलाइन इसकी दी हुई है कॉलर नेकलाइन, और फ्रंट पर आपको इसमें मिलेगी इस तरह की हाफ एंड हाफ में डिजाइनिंग। आई थिंक कलर इसमें भी अवेलेबल है, एक और कलर अवेलेबल है तो आप वो भी चेकआउट कर सकती हैं। वैसे ये वाला कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है, इसमें आपको मिल जाएगी एम्ब्रॉयडरी, तो लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी, तो बहुत ही प्यारा लुक है इस वाले कुर्ते का। स्लीव्स आपको इसकी मिल जाएंगी फुल, एंड इसमें भी आपको मिल जाएगी वन साइड पर पॉकेट। फ्रंट से इस तरह का है, बैक साइड से आपको प्लेन कुर्ती मिलेगी। बहुत ही हैवी एंड थिक सा मटेरियल दिया हुआ है और बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। बॉटम वियर में इसके साथ दी हुई है पैंट, लाइक पैंट प्लाजो वाइड लेग्स वाली पैंट आप कुछ भी इसको बोल सकती हैं। फ्रंट बैक दोनों ही साइड पर दी हुई है इलास्टिक, एंड जो ये पैंट्स है उसमें नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा इस तरह का डिजाइन, तो ब्रॉड सा इस तरह का बॉर्डर का नीचे आपको डिजाइन मिल जाएगा, और बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि वाइड लेग्स है इसके, तो वियर करने में काफी कंफर्टेबल है। और इसके साथ आपको मिल जाएगा थर्ड ये स्टोल दुपट्टा, तो जो दुपट्टा है वो स्टोल
पैटर्न में है, तो बहुत ज्यादा लेंथ वेथ वाला नहीं मिलेगा आपको, इस तरह का है। बाकी आप इसको एज अ स्कार्फ भी यूज कर सकती हैं, एंड मैंने जिस तरह से पीछे से लिया था उस तरह से भी आप इसको कैरी कर सकती हैं। साइड्स में आपको इस तरह से ये डिजाइनिंग मिल जाएगी, जैसे कि बॉटम वियर में की हुई थी, तो बहुत ही प्यारा सा पीस है। अगर आपको पसंद है आप डेफिनेटली ये वाला पीस भी बाय कर सकती हैं। बाइंग लिंक सभी मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से इजीली आप इन सभी की शॉपिंग कर पाएंगी। आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के कॉमेंट से ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कलेक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।